चले भाई चलते हैं नदी में। हाँ रजाक भाई आप चलते हैं? भाई मैं वो फोन कर रहा हूँ। अच्छा चले भाई अब चलते हैं नदी में, जाके गपशप करेंगे, वहाँ पर थोड़े गप्पे मारेंगे, सेल्फियाँ वगैरह निकालेंगे। ये हमारे साथ हैं अख्तर पहलवान मल, ये कराची मलीर के मशहूर पहलवान हैं, कुश्ती लड़ते हैं भाई, ये बहुत ज़्यादा कुश्ती लड़ते हैं। हमें तो डर लगता है कुश्ती लड़ने में, देखने में ही डर लगता है, ये तो लड़ते हैं भाई माशाल्लाह। आज हवाएं इतनी ठंडी ठंडी पड़ रही है, बहुत ठंडी हवाएं, देखें दरख्त कैसे हिल रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ठंडी हवाएं आ रही है। शाम के तकरीबन 6 बजे हैं, शाम को आपको पता है कि 6 या 6:30 या 5 के दरमियान मौसम जो है ना बहुत ठंडा हो जाता है, और जो लुक होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त आता है। तो अभी ठंड का टाइम है, अभी हम नदी में जा रहे हैं, आपको नदी का सैर कराएंगे, अपनी नदी का। मैं बहुत ऑलरेडी पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आपको अपनी नदी का सैर करवा चुका हूं, लेकिन आज अख्तर भाई हमारे साथ हैं, इनकी खेती बाड़ी है, इनकी ज़मीन है, वो जा रहे हैं हम विज़िट पे, तो इनकी ज़मीन को देखेंगे, विज़िट करेंगे, आपको इनकी ज़मीन भी दिखाते हैं। भाई ये नदी है, देखें नदी में हम इंटर हो चुके हैं, अब आपको अख्तर भाई की ज़मीन दिखाएँगे। ये सारी यहाँ से ज़मीन स्टार्ट होती है, अख्तर भाई की खेती बाड़ी करते हैं यहाँ पर, अपने बच्चों के लिए पेट गुजर करते हैं, तो यहाँ से ये स्टार्ट होती है अख्तर भाई की ज़मीन। यहाँ पर हम सिंधी में जो बोलते हैं मकाई भी है, यहाँ पर हम सिंधी में बोलते हैं लौकी, ओ सॉरी तूरी, उर्दू में बोलते हैं लौकी, तो यहाँ पर लौकी भी है। ये देखें ये ज़मीन जा रही है अख्तर भाई की, ये सीधा सीधा आपकी जहाँ नज़र पड़ रही है ना हमारी, तब तक ये अख्तर भाई की ज़मीन है। ये यहाँ पर माशाल्लाह मेहनत भी करते हैं बहुत, ये हार्ड वर्क है, हमसे तो ये हो भी नहीं पाएगा, बहुत हार्ड वर्क है ये, तो लोग फिर भी करते हैं। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लुक आ रहा है। शाम के टाइम पे आप कहीं भी चले जाएं, आप वीडियो रिकॉर्ड करें, तो आपका बैकग्राउंड ऐसा आएगा ज़बरदस्त, जो आई कैची बैकग्राउंड होता है वही आएगा, क्योंकि शाम का टाइम ही ऐसा होता है ना, तो बैकग्राउंड वगैरह बिल्कुल अच्छा आता है, सीनरी भी अच्छी आती है, और लुक भी बहुत अच्छा आता है, व्यू जो होता है ना वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खेती बाड़ी है, ये नाजबू है, इसको क्या कहते हैं, फुलपट्टी, फुलपट्टी उर्दू में इसको फुलपट्टी कहते हैं भाई, उर्दू में इसको मरवा, मरवा कहते हैं, मरवा हम सिंधी में इसको बोलते हैं नाजबू। ये कितने दिन में बड़ा होता है? ये तो छोटा हम इनका बीज लगाते हैं, ये 40-45 दिन में निकल जाता है, तैयार हो जाता है, फिर हम इनको काटते हैं एक मरतबा, फिर दोबारा वो हो जाता है। भाई इसको आप बीज लगाएंगे तो ये 40-45 दिन में ये बड़ा हो जाता है, फिर इनको काटेंगे तो फिर ये बड़ा हो जाएगा, फिर बीज लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर नहीं, ये फिर हमेशा के लिए ये बड़ा होता है, हमेशा के लिए चलता है। अच्छा बीज इसका एक ही बार लगता है? एक ही बार। अगर ये हटा के आप यहाँ पर कोई और चीज़ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं? अच्छा जड़ से निकालेंगे, अच्छा ये खत्म कर रहे हैं, फिर मकई लगाएं या कोई बाजरा लगाएं, सही कुछ भी ऐसा लगा सकते हैं। तो भाई ये खेती बाड़ी आप देख रहे हैं, ये बहुत हार्ड वर्क होता है, ये हर किसी का काम नहीं होता है, जिसका खानदानी काम होता है वही कर पाता है, बाकी ऐसे तैसे लोग ये काम नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ बेलचा भी लगाना पड़ता है, टीकम भी लगाना पड़ता है, तो ये बहुत हार्ड वर्क होता है, जो बंदा बैठ बैठ के खाता है तो उससे ये काम कभी भी नहीं होगा, ये बहुत हार्ड वर्क होता है, लेकिन फिर भी करने वाले करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं। ये देखें आपको व्यू दिखा रहे हैं, कितना माशाल्लाह प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। ये हैं भाई हमारे अख्तर भाई मल पे। अख्तर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। जहाँ हम खड़े हुए हैं ये आपको कचरा नज़र आ रहा है, इस कचरे के ऊपर जो है ना कब्रिस्तान है, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है ये, और ये नदी है, यहाँ पर खेती बाड़ी भी होती है और पानी जो है वो साइड से जाता है। अगर इसके ऊपर हम जाएंगे तो इसके ऊपर आबादी है, कुछ घर बन रहे हैं और कुछ घर ऑलरेडी बन चुके हैं, फिर इससे कुछ 1-1.5 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो मेन रोड आ जाता है, लिंक रोड जो मलीर 15 की तरफ जाता है। अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो मलीर 15 की तरफ जाएगा, और आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो आप मेमन गोट जाएंगे। अभी हम इस वक्त जो मौजूद हैं ये जगह है थद्दो डैम, थद्दो डैम के नाम से ये जगह मशहूर है, हम इसको नदी कहते हैं, लेकिन ये जो असल नदी है इसका जो नाम है, जो इसका नाम रजिस्टर्ड किया गया है वो है थद्दो डैम।
मलीर में आप कहीं से भी पूछेंगे भाई थद्दो डैम कहाँ है, तो आपको पता चल जाएगा थद्दो डैम यही कहलाता है। जब बारिशें होती है तो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आता है, जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब कम बारिश होती है तो कम पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पानी इतना आता है। ये आप पहाड़ देख रहे हैं ऊपर, जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं पहाड़ सबसे ऊपर, यहाँ तक भी पानी आता है। अक्सर ऐसा ही है ना भाई? जी जी बिल्कुल, यहाँ तक भी पानी आता है, क्योंकि यहाँ पर जो घर बने हुए हैं वो काफ़ी मरतबा जो है ना थोड़े बहुत डूब भी चुके हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी डूब चुके हैं, क्योंकि ये नदी बहुत तेज़ आती है। और ये अक्सर जब भी नदी आती है तो ये रात को आती है, कुछ पता नहीं चलता है कि भाई किस टाइम पर आती है, क्योंकि जब बारिशें होती है तो पीछे जो पानी होता है वो जमा हो जाता है, फिर वो अपनी मर्ज़ी से कभी भी पानी छोड़ देते हैं तो ये नदी भर आती है। अभी जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ इतना पानी होता है, मेरी नॉलेज के मुताबिक यहाँ पर भी 8 से 9 फुट तक पानी यहाँ पर भी मौजूद होता है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अख्तर भाई खड़े हुए हैं, यहाँ पर इतना पानी होता है कि इनका सर भी जो है ना वो डूब जाएगा यहाँ। हाँ, इतना बड़ा पानी होता है यहाँ पर, तो कोई भी लोग यहाँ पर आते नहीं है उस टाइम पर, कोई भी लोग यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे तब तक जब तक ये पानी सूख नहीं जाता है। तो इसको सूखने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन पानी कम होने में 2 दिन लगते हैं, कम से कम 2 दिन के बाद पानी का जो प्रेशर होता है वो बहुत कम हो जाता है। फिर उसके बाद तकरीबन 1 हफ्ता भी लगता है जब ये नदी बिल्कुल सूख जाती है, और 15 दिन भी लगते हैं, 1 महीना भी लगता है सूखने में। जब सूखती है तो फिर यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, वरना यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती है। जब भी नदी आती है तो इन बेचारों की सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है, और ये जितनी भी खेती बाड़ी करते हैं ये सारी की सारी डूब जाती है। यहाँ पर 2 महीने से अगर इन्होंने बीज लगाया होगा किसी भी चीज़ का, तो नदी आएगी तो वो 2 महीने का बीज जो है ना वो सारा डूब जाता है, और सारा लाखों का नुकसान हो जाता है। अभी देखें वो गधा वहाँ पर बीज उन्होंने फेंका है, तो वो गधा वो खा रहा है, तो अक्सर भाई भागे हैं उस गधे को बाहर निकालने के लिए। क्योंकि तो गाइस आप लोगों को हमने बताया कि भाई हमारी नदी की जो सूरत हाल है, क्या होता है यहाँ पर, क्या नहीं होता है, खेती बाड़ी होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, कौन करता है, ये सब कुछ हमने आपको बताया। इसके साथ अमजद जंगेजो को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।